हेलो दोस्तों, मैं आपकी दोस्त नलिनी। आज मैं बेबी फूड सीरीज़ में आपके लिए लेके आई हूँ छोटे बच्चों के लिए बनाने के लिए सूजी की खीर यानी कि रवे की खीर। असल में जब बच्चे छोटे होते हैं तो 6 महीने से लेकर जिन बच्चों के दांत नहीं आए होते उनसे लेके जब तक बड़े भी हो जाते हैं बच्चे, तो ये सूजी की खीर बनाने में बहुत आसान है, जल्दी बनती है और सूजी बच्चों के लिए हल्की होती है। दूसरी बात, इसको बनाने के लिए इसमें घी बहुत कम मात्रा में प्रयोग होता है, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि छोटे बच्चों को ज़्यादा भारी खाना नहीं खिलाना चाहिए और उनको घी भी ज़्यादा मात्रा में नहीं दिया जा सकता। इसलिए नॉर्मली चावल की खीर भारी होती है, लेकिन ये सूजी की खीर आप 6 महीने से लेके किसी भी बच्चे के लिए बना सकते हैं। तो चलिए बनाते हैं। इसके लिए हमें चाहिए सूजी। मैंने यहाँ पे 3 बड़े चम्मच सूजी ली है और सूजी के ही बराबर इसमें मैंने ली है चीनी और मैंने लिया है दूध। दूध आपको डालते टाइम अंदाज पड़ जाएगा कि आपको कितना पतला चाहिए। अगर आप थोड़ा गाढ़ा खिलाना चाहते हैं तो आप कम थोड़ा गाढ़ा रख सकते हैं, वरना इसको और दूध डाल के पतला कर सकते हैं। तो चलिए बनाते हैं जल्दी से। थोड़ा सा घी लेंगे, करीब 1 चम्मच घी ले लिया मैंने यहाँ पे, और इस घी में हम ये अपनी सूजी को सेक लेंगे। इसके लिए आप कोई भी भारी पैंदे का बर्तन ले सकते हैं या कढ़ाई ले सकते हैं। मैंने यहाँ पे सूप पैन का इस्तेमाल किया है, ये आप अपने हिसाब से ले सकते हैं, लेकिन जो भी हो थोड़ा खीर बनाने के लिए भारी पैंदे का बर्तन होना चाहिए। कभी कभी बच्चों के जो दांत होने की अवधि होती है वो 2 से 3 साल होती है, तो जब बच्चों के दांत आते हैं तो उन्हें सॉलिड फूड खाने में कभी कभी वापस से तकलीफ होने लग जाती है और हमें समझ नहीं आता कि बच्चा रोटी नहीं खा रहा है तो हम क्या करें। तो ऐसे में भी आप बच्चों को ये हल्का सा जल्दी पचने वाला और तुरंत अंदर जाने वाला रवे की खीर बना के दे सकते हैं, क्योंकि इसमें उसके पेट में रवा भी चला जाएगा, दूध भी चला जाएगा, तो उसका पेट भरा रहेगा और ये बच्चों के साथ साथ बड़ों को भी बहुत पसंद आती है। देखिए, ये आपकी सूजी करीब करीब सिक गई है, इसका कलर चेंज हो गया है, हल्का ब्राउनिश हो गया है, तो बहुत ज़्यादा डार्क नहीं करनी। अब इसमें हम लोग धीरे धीरे दूध डालेंगे। देखिए, ये अभी खीर, ये सूजी वापस से थोड़ी सी गाढ़ी होने लग जाएगी, तो आप अपनी इच्छानुसार इसको पतलिया गाढ़ी कर सकते हैं। इसमें गुठलियाँ मत पड़ने दीजिए, तो इसको लगातार आप हिलाते रहिए। अगर आप छोटे बच्चे के लिए बना रहे हैं तो 1 चम्मच रवे की खीर उसके लिए काफ़ी रहेगी, क्योंकि 1 बाउल खीर बन जाएगी। तो अब रिमी आ गई है और रिमी अपनी खीर बनने का वेट कर रही है। इसको बहुत भूख लगी है ना। अभी बनाएंगे। अभी ये मैंने इसका जल्दी से पेट भर जाए इसलिए थोड़ी गाढ़ी कंसिस्टेंसी खीर रखी है। अब हम इसमें चीनी डाल देंगे और इसको मिक्स कर देंगे अच्छे से। थोड़ी गाढ़ी रखने से पेट जल्दी से भर जाता है। देखिए, ये खीर अब हमने चीनी डाल ली है। चीनी डाल के अब हम इसको और थोड़ी देर बॉईल होने देंगे। ये देखिए, इसकी कंसिस्टेंसी ऐसी है, ऐसे ही गिर रही है। ये आप अपने हिसाब से रख सकते हैं, बच्चे को जैसा पसंद है, गाढ़ा या पतला। ये देखिए, ये इसमें उबाल आ गया है और चीनी अच्छे से इसमें मिक्स हो गई है, उबल गई है, और अब ये हमारी खीर तैयार है। रिमझिम, खीर तैयार हो गई, खाएगी खीर, है ना? इसमें ठंडी करेंगे। हाँ। तो देखिए, हमारी खीर तैयार है। रिमझिम कह रही है कि इसमें गरम गरम है तो आप इसमें ठंडी करके खिला दो। सबसे पहले हम निकालेंगे बाउल में। ये देखिए, ये हमारी खीर बन गई है। कैसी लगती है रिमी को खीर? अच्छी लगती है। तो आप इसमें खीर निकाल लीजिए और फिर धीरे धीरे ठंडी करके बच्चों को खिला सकते हैं। रिमझिम कह रही है इसमें ठंडा करने के लिए, तो हम इसमें ठंडा करें। रिमी सो के उठ के आई है, इसको भूख लगी है, इसके लिए हम खीर ठंडी कर रहे हैं, आप ही खिलाएंगे। ओके, तो ठीक है, आप इसी तरीके से अपने बच्चों के लिए अलग अलग तरीके के कोई भी शिशु आहार बनाए, हम आपको और आगे इस बेबी फूड सीरीज में बताते जाएंगे। बाय बाय, हम खीर खाने जा रहे हैं। रिमी से बाय बाय। मैं खीर खा रही हूँ, बोलो। खीर खाने जा रही है रिमझिम। बाय बाय।